नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की हर नीति रोजगार सृजन के रास्ते खोलती है। उन्होंने देशभर में 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सरकार ने खोए हुए मोबाइल फोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत। भारत और यूरोपीय संघ ने विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों के बारे में साझा प्राथमिकताओं पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की हर नीति रोजगार सृजन के रूप में काम करती है। उन्होंने आज 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र देशभर में 45 जगहों पर लगे रोजगार मेलों में दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने का सरकार का प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने को प्राथमिकता दी है। इन 9 वर्षों के दौरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रखकर के सरकार की नीतियां तैयार की गई। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो, भारत सरकार की हर योजना, हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है। श्री मोदी ने कहा कि अब रिक्त पदों के लिए आवेदन करने और परिणाम प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। पहले सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था। एक एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए घंटों लाइन में लगो रहो, डॉक्यूमेंट्स को अटैच करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो। आज आवेदन करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। इस अवसर पर केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन कार्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये नियुक्तियां केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में की गई हैं। ये रोजगार मेले रोजगार सृजन की प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता की दिशा में अगला कदम है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। संचार विभाग की इस पहल से आम लोग ये पता कर सकेंगे कि क्या मोबाइल कनेक्शन उनके नाम पर ही जारी हुए हैं। यदि आवश्यकता नहीं है तो वे कनेक्शन कटवा भी सकते हैं और खोए हुए मोबाइल फोन को बंद कर सकते हैं तथा उनका पता भी लगवा सकते हैं। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि इस पोर्टल पर 3 महत्वपूर्ण मॉड्यूल जोड़े गए हैं। इसका उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी की गतिविधियों से बचाना है। तीनों के तीनों रिफॉर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला रिफॉर्म है, अगर किसी यूजर का मोबाइल फोन खो जाए तो कैसे वो उसको ब्लॉक करा सकता है या कैसे उसको ट्रेस कर सकता है। इसके लिए संचार साथी पोर्टल के इस फ्रेमवर्क के अंदर आज 3 मॉड्यूल, 3 रिफॉर्म रखे जा रहे हैं। उसमें पहला है सेंट्रलाइज इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, CEIR। ये पोर्टल आपके लॉस्ट मोबाइल को तुरंत ब्लॉक कर देगा। सेकेंड रिफॉर्म है नो योर मोबाइल। थर्ड रिफॉर्म इज दिस इज कॉल्ड अस्त्र। कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए प्रयास तेज हो गए हैं। इस पद के 2 प्रबल दावेदार सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार कांग्रेस नेतृत्व के साथ विचार विमर्श के लिए दिल्ली में हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत के बावजूद मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं।
पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नवनिर्वाचित विधायकों के विचारों से अवगत कराया। पार्टी सूत्रों के अनुसार श्री खड़गे अंतिम निर्णय की घोषणा करने से पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपने आवास पर अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातीय समुदायों के नेताओं के एक शिष्टमंडल से बातचीत की। उन्होंने शिष्टमंडल से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से असम अरुणाचल सीमा विवाद जैसे कई लंबित मुद्दों को सुलझा लिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर के एग्रा के खादीकुल गांव में आज हुए भीषण विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार अवैध पटाखा फैक्ट्री के मालिक को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। हालांकि उसने पटाखा बनाने की अवैध गतिविधियों को गुप्त रूप से जारी रखा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने इस विस्फोट की राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए से जांच की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को एक पत्र भेजा है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए और कहा कि राज्य को इस घटना की एनआईए से जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने प्रत्येक मृतकों के निकट परिजनों को 2.5-2.5 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। स्थानीय थाना प्रभारी को भी कारण बताओ नोटिस देने को कहा गया है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री के बारे में उनके पास कोई सूचना क्यों नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार की निगरानी में पीड़ितों की मदद के लिए जुटा हुआ है। श्री मोदी ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के साथ कर्फ्यू में और ज्यादा ढील दी गई है। राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने आज इम्फाल में कहा कि राज्य में दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग अब खुल गए हैं और आवश्यक वस्तुओं के ट्रक सुरक्षित इम्फाल पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में फर्जी खबरों और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए अफवाह मुक्त मणिपुर कक्ष खोला है। इस कक्ष में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी फर्जी खबर की पुष्टि के लिए मोबाइल नंबर 9485280461 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखलाएं प्रसारित कर रहा है। आज हम देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की दिशा में हुई प्रगति की जानकारी दे रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा उसकी कार्यान्वयन एजेंसियों ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में राष्ट्रीय राजमार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनसे लोगों को माल ढुलाई और यात्री सेवाओं तथा बाजार तक पहुंच सुविधाओं का लाभ उठाने में मदद मिलती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में पिछले 9 वर्षों में लगभग 48% की वृद्धि दर्ज की गई है और देश में इसकी कुल लंबाई 2014-15 के 98,000 किलोमीटर के मुकाबले लगभग 1,47,000 किलोमीटर हो गई है। इसके अलावा सरकार ने 2025 तक राजमार्ग नेटवर्क को 2 लाख किलोमीटर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। कुछ दिन पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने 5,500 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के अवसर पर कहा कि केंद्र सरकार सड़कों को गांव तक ले जाने के साथ साथ शहरों को आधुनिक राजमार्गों से जोड़ रही है।
भारत सरकार आज गांवों तक सड़क पहुंचाने के साथ ही शहरों को भी आधुनिक हाईवे से जोड़ने में जुटी है। 2014 से पहले देश में जिस गति से नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा था, अब उससे दो गुनी तेजी से डबल स्पीड से काम किया जा रहा है। वहीं पिछले 9 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति में भी वृद्धि हुई है। पहले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण की गति लगभग 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी, जो अब बढ़कर 38 किलोमीटर हो गई है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और यूरोपीय संघ ने मुक्त व्यापार समझौता वार्ताओं को तेजी से आगे बढ़ाने और विचार विमर्श के जरिए आपसी मुद्दों में समन्वय करते हुए उनका शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। दोनों पक्षों ने विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों के बारे में साझा प्राथमिकताओं के लिए मिलकर काम करने की वचनबद्धता दोहराई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 19 तारीख को 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। वे इस महीने की 19 से 21 तारीख तक जापान में हिरोशिमा की यात्रा करेंगे। श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के निमंत्रण पर G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री जापान से पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोरेस्बी के लिए रवाना होंगे। बाद में श्री मोदी 22 मई को ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के लिए रवाना होंगे। वे वहां क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आकाशवाणी गुवाहाटी की क्षेत्रीय समाचार इकाई ने संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ मीडिया श्रेणी में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ये पुरस्कार जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों में दिया गया। गुवाहाटी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पहली बार मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी के शुभंकर का भी अनावरण करेंगे। सिक्किम आज अपना 48वां स्थापना दिवस मना रहा है। 16 मई 1975 को तत्कालीन साम्राज्य का भारत के 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में विलय हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्य दिवस के अवसर पर सिक्किम के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। फ्रांस में आज से 76वां कान फिल्मोत्सव शुरू हो रहा है। फिल्मोत्सव का शुभारंभ जॉनी डैप की फिल्म यौन डू बाही के वर्ल्ड प्रीमियर से होगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन इस 12 दिवसीय फिल्मोत्सव में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर एक वीडियो संदेश के जरिए उद्घाटन समारोह को संबोधित करेंगे। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 15 ओवर में 3 विकेट पर 108 रन बना लिए हैं। मुंबई इस मैच में लखनऊ को हराकर प्लेऑफ में जगह बना लेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार की हर नीति रोजगार सृजन के रास्ते खोलती है। उन्होंने देशभर में 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सरकार ने खोए हुए मोबाइल फोन को बंद करने और उसका पता लगाने के लिए संचार साथी पोर्टल का शुभारंभ किया। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक गतिविधियां तेज। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत। भारत और यूरोपीय संघ ने विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मुद्दों के बारे में साझा प्राथमिकताओं पर मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।